नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर हम लोग पहुंचे हैं ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में। फिलहाल हम लोग खड़े हैं वीरवती वाटिका और आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में लोग यहां जुटे हैं। आपको दिखाएंगे हजारों की तादाद में लोग और तैयारी पूरी, आप देख सकते हैं तैयारी पूरी वीरवती वाटिका। भाजपा प्रत्याशी विपुल गोयल का कार्यक्रम, नरेश नंबरदार हमारे साथ हैं, यहाँ बात करेंगे उनसे भी, जगबीर पहलवान और रिंकू सिलानी की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज बड़ी तादाद में लोग, आप समझ लें घोड़ों से होगा स्वागत, ये देख लें घोड़ों से होगा स्वागत। आयोजक मौजूद, बात करेंगे उनसे भी जी, बात करेंगे, रिंकू सिलानी हमारे साथ हैं, बात करेंगे। बहुत बड़ी तादाद में भीड़ जुटी है आज, बहुत भीड़ जुटी है आज। देखिए विपुल जी के प्रति लोगों का प्यार है, एक विपुल जी ऐसे जो इस विधानसभा में क्या पूरे प्रदेश के अंदर काम करके दिखाया, प्रदेश के अंदर उनके मंत्री पद मिला पिछली बार, तो लोगों ने देखा उनका काम करने की जो शक्ति है, जो काम करने का तरीका है वो सबसे अलग है। अगर कोई फरीदाबाद को शहर को बचा सकता है तो वो विपुल जी है। ये जो अभी पिछली बार उनकी टिकट कटी थी, ये विपुल जी ने वनवास नहीं काटा, फरीदाबाद की जनता ने वनवास काटा है। आज फरीदाबाद की जनता उनका स्वागत के लिए तैयार है। 5 तारीख को आप देखोगे फरीदाबाद में भारी मतों से, मैं कहता हूँ 1,00,000 वोटों से विपुल जी की जीत होगी। उनके टक्कर में ऐसा कोई भी प्रत्याशी नहीं है जो उन्हें कोई टक्कर दे दे, तो विपुल जी की 1 और जीत होगी जी। पहलवान जी देखिए, आप देख ही सकते हैं कितनी जोर शोर से लोग उनके स्वागत के लिए खड़े। इस बार कोई मुकाबला ही नहीं है, पिछली बार किसी कारण टिकट कट गई थी, लेकिन धन्यवाद करेंगे जो हमारे मंत्री जी पर विश्वास जताया और हमारे टिकट देंगे। अब फरीदाबाद की जनता अधिक से अधिक पता के उन्हें विधानसभा में भेजेगी और फरीदाबाद का जोर शोर से विकास होगा। धन्यवाद, जोर शोर से विकास होगा फरीदाबाद। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं और आपको भीड़ दिखाएंगे, एक बार भीड़ दिखाएंगे, आपको लेकर चलेंगे भीतर जी। कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, ठीक है, बढ़िया। और घोड़े यहां मौजूद हैं, घोड़ों के साथ आप समझ लें स्वागत किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, बहुत बड़ी तादाद में ये देख सकते हैं। एक बार पूरा वीरवती वाटिका खचाखच भरा है और हजारों की तादाद में लोग यहां जुटे हैं। फरीदाबाद बाहर पहुंचने वाले हैं जी, आपको लेकर चलेंगे। आगमन हो गया है, नारे लग रहे हैं स्वागत में, सम्मान में, थोड़ा सा साइड दे दें, थोड़ा सा साइड दे दें, थोड़ा सा साइड दे दें, आपको दिखा रहे हैं हम लोग। हजारों की तादाद में लोग जुड़े हैं, हजारों लोग यहाँ भाजपा प्रत्याशी विपुल गोयल के जी, विपुल गोयल यहाँ पहुंचे हैं, उनके स्वागत के लिए हजारों की तादाद में लोग देख सकते हैं।
आप सोच रहे हैं फरीदाबाद ये विजय उत्सव है। फरीदाबाद विपुल गोयल पहुंच गए हैं। हजारों की तादाद में लोग यहां पूरे मंच पर बहुत बड़ी तादाद में लोग बड़ी माला से हाँ बढ़िया हमारे सभी पूछे जो हमारे यहाँ पर कुछ मानसियों से भी आग्रह करता हूँ कि वो आए बड़ी माला में हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार जी का स्वागत करें। उत्साह देख सकते हैं आप युवाओं का समर्थकों का उत्साह बहुत भारी है। भाई राजा जी से आग्रह करूंगा कि वो उन्होंने पहले भी आने से पहले ही कहा था कि देखो कल तो समय नहीं मिला पर आज स्वागत की जरूर कहूंगा और वो मैं कहूंगा कि एक स्वागत की तो जरूर करे बादल से। मैं सभी युवा से आग्रह करूंगा कि देखो मंच की शोभा को बढ़ाते हुए थोड़ा सा मंच पे को खाली करें क्योंकि पीछे भी बहुत हमारी मातृशक्ति हमारे लाडले और लोकप्रिय उम्मीदवार भाई विपुल गोयल जी के दर्शन के लिए पिछले 4 घंटे से बैठी है। उन्हें भी समय का बहुत बड़ा बेसब्री से इंतजार था और उनके दर्शन करने से देखो लोगों को बढ़ाते हुए आगे से दौड़ाते हुए आइए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हमारे बीच में इस क्षेत्र के आन बान शान कहे जाने वाले आप सभी को बड़े ही कर्मठ बड़े ही ईमानदार पढ़े लिखे शिक्षित 36 बिरादरी को साथ में लेकर के चलने वाले परम श्रद्धेय परम आदरणीय आदरणीय विपुल गोयल जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत और सम्मान होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए फरीदाबाद में फिर से जो कमल खिलाना है क्योंकि 2014 में आदरणीय विपुल गोयल जी ने जो फूल खिलाया था फिर से आपके बीच में आए हैं। आइए किस तरह से के शब्द सुनने लायक आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। कैसे लोग नेताजी को फिर से विजय बनाना है। अरे फिर से उन्होंने नेताजी को फिर से विजय बनाना है। फरीदाबाद के क्षेत्र में फरीदाबाद के क्षेत्र में खुशियों का चमक खिलाना है। विपुल गोयल ने नेताजी को फिर से विजय बनाना है। विपुल गोयल ने नेताजी को बनाना है।
500 रुपए से मान सम्मान करने बार बार धन्यवाद करते हैं। RWO प्रधान है, 500 रुपए से सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद। पहली कड़ी के माध्यम से ये लिखा बना निभाते हैं जनता की सेवा में हर दमे खड़े साथ में खाते हैं, जनता की सेवा में हर दम खड़े साथ में खाते हैं। पढ़े लिखे और विद्वान प्रजा का मान बढ़ाते हैं, क्षेत्र की कोई हो समस्या पल में हल करवाते हैं, क्षेत्र की कोई हो सम्मेलन को संबोधित किया मुकेश शास्त्री।
गौरव तंवर जी आरडब्ल्यू में प्रधान, वो भी 500 रुपए से हमारी टीम का सम्मान करने बार बार धन्यवाद करते हैं। सतीश बेसला जी, वो भी मान सम्मान कर रहे हैं, उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब सब नीचे आ जाए, स्टेज से नीचे आ जाए प्लीज। सारे लोग जितने भी बैठे भाई नीचे आ जाए, आपका प्रोग्राम है। आदर सम्मान के फरीदाबाद की आन बान शान, हरियाणा के प्रमुख नेता, पूर्व मंत्री उपाध्यक्ष आदरणीय सिंह गोयल जी हमारे साथ स्टेज पर बैठे, किशन ठाकुर जी, आचार्य जी, नरेश अंबरदार जी, भाटी जी, पीछे ले लेना, पीछे बैठ जाओ, और गौरव कंवर जी, क्या पीछे वाला को देख लेना, भाई जगवीर पहलवान जी, पार्थ भाई साहब, सोनू जी, सोम प्रकाश शर्मा जी, रिंकू सादा जी, मोहित ठाकुर जी, और जो हमारे पहलवान की पार्टी है, जो जयवीर जगवीर की, जिन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत बढ़िया और शानदार बनाया, और हमारे भारत कॉलोनी करल बिहार हनुमान नगर सारी कॉलोनी जितने भी मेरी बहनें बैठी है, मेरी माताएं बैठी है, देवतुल्य जनता बैठी है, भाई बैठे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सबको पता है कि विधानसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, जिसमें आपके चहेते, आपके नुमाइंदे आदरणीय विपुल गोयल जी यहाँ से उम्मीदवार है, ऐसे नेता है जिन्होंने अपने कार्यकाल में इतने अनेक कार्य किए, यदि सुबह से शाम तक लिस्ट खोल के बताई जाए तो पता नहीं कितने दिन लग जाएगी। तो आपसे यही अनुरोध है कि आने वाली 5 अक्टूबर को सब भाई बहन अपने यारों के साथ, मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ मिलकर के सबसे कह करके कमल के निशान पर बटन दबाए और भाई विपुल गोयल जी को भारी से भारी पदों से जीता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। शास्त्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देखो आग्रह करता हूँ भाई रिंकू सिलानी और जगवीर पहलवान जी से कि वो मंत्री जी का फूल मालाओं से स्वागत करें और एक पगड़ी से भी उनका स्वागत कर उनके साथ साथ शोभा बढ़ाए। समय का अभाव कम है क्योंकि जनसभा बहुत ही है। मैं भाई गौरव तंवर जी से कहना चाहता हूँ तो थोड़ी सी क्षण समय में अपनी दो बात पूरी करें। अजी जगवीर पहलवान जी और भाई रिंकू सिलानी जी से आग्रह करता हूँ कि वो मंत्री जी का फूल माला से और पगड़ी पहनाकर एक स्वागत करें। भाई रिंकू सिलानी जी करो, मैं गौरव तंवर जी से आग्रह करता हूँ कि वो अपनी ऊर्जावान वाणी से सभा को संबोधित। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य मेरी भारत कॉलोनी की सरदारी, जो आज इस पार्टी का मैं भाई रिंकू सिलानी द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम में उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। स्वागत करता हूँ। भैया एक बात बताओ, नहर पर फीवर कौन सी पार्टी ने डलवाए? बीजेपी ने, हाथ उठाओ सारे। सारे काम भी फिर ने करवाए, भारतीय जनता पार्टी ने करवाए। तो भैया वोट किसको दोगे? विपुल गोयल जी को। सबसे ज्यादा हरियाणा में 90 विधानसभा में ज्यादा भारी मतों से विपुल गोयल जी को विजयी बनाना है। और जो समाज के ठेकेदार, जो कुछ ठेकेदार बनते हैं, कभी होर्डिंग फाड़ने का काम करते हैं, मैं उनको भी चेतावनी देने का काम करता हूँ। पूर्व में भी उन्होंने काम जो भाजपा में थे वो करा और आज दूसरी पार्टी में शामिल होके, अरे तेरी डराने धमकाने की आदत तुझे लाचार कर रही है, तेरे को मैं समझाना चाहता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है और भारत कॉलोनी नहर पार का आदमी इतना कमजोर नहीं है। तो विपुल गोयल जी, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, ठेकेदारों पे वोट वोट तो है नहीं,
बस बाकी ये हवा है, कभी इधर 6 महीने में उधर, 6 महीने में उधर, इनकी आदत चलाचार है। विपुल गोयल, विपुल गोयल, जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। मैं अपने चाचा समान श्री किशन ठाकुर जी से आग्रह करता हूं कि वो आए। इसी बीच हमारे पार्षद भाई नरेश नंबर दादी से आग्रह करता हूं कि वो आए इस सभा को संबोधित। भाई नरेश भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, विपुल गोयल जिंदाबाद, विपुल गोयल जिंदाबाद, विपुल गोयल जिंदाबाद। साथियों, आज हम सबके अजीज युवा दलों की धड़कन और हरियाणा हमारा मान बढ़ाने वाले, जनधन के हृदय में वास करने वाले ऐसे हमारे विपुल गोयल जी आज हमारे बीच में हैं। साथियों, उनके साथ में मुकेश शास्त्री जी, साथ में किशन ठाकुर जी और मेरे युवा साथी जितेंद्र चौधरी जी, सोनू जी, रंजीत भाटी जी, रिंकू सिरानी जी जिन्होंने आज बहुत सुंदर कार्यक्रम किया, जगबीर पहलवान जी और सम्मानित मन साथियों। साथियों, एक बात मैं आप साझा करना चाहता हूं, ये जो टोली इकट्ठी हुई है ना, आप मुझे ये बता दो, इस टोली की सरकार 10 साल पहले भी रही थी, 2014 से पहले, तो आप ये बताएं कि 10 सालों में यहां उन्होंने क्या किया जो आप कर देंगे? किया क्या कुछ? हमें इन्होंने कच्ची गलियां दी, ना सीवा था, ना पानी था, ना रोड था, यहाँ पे गहरे गहरे गड्ढे थे। इन्होंने विरासत में हमें ये यहाँ जंगल राज सौंप के गए, लेकिन जो हमारे विपुल गोयल जी आए, इन्होंने राम राज्य दिया हमें, राम राज्य साथियों, राम राज्य दिया। कहने दिया, हाथ खड़े करो, बताओ राम राज्य दिया कि नहीं? हाथ खड़ा करो। साथियों, आज एक किस मुंह से वोट मांग रहे हमारे बीच में आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम काया कर देंगे क्षेत्र की, ये कह रहे हैं हम फलाना काम कर देंगे। साथियों, एक बात बताओ, ये कुछ नहीं करेंगे। ये वो टोला इकट्ठा हो चुका है जैसे महाभारत के अंदर कौरवों का टोला इकट्ठा हुआ था और अर्जुन पर विजय पाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जीत किसकी हुई? जीत अर्जुन की, अर्जुन की। आज हमारे विपुल गोयल उस महाभारत के नहीं, आज के अर्जुन है, आज के। साथियों, बताना चाहता हूं आपको, लेकिन आज जो ताकत है अर्जुन की, वो आप लोगों के पास है, आप लोगों के पास। साथियों, साथियों पूरी ताकत लगा दो, जो इन्होंने टोली इकट्ठी करी है ना, जो दिन पे दिन गुरुओं बढ़ा रहे हैं, और ये सोच लिए मैसेज देना चाह रहे हैं, कौन कौन साथ है? साथियों, इन चार टेंशन में कुछ ना हो, ये सब मक्कारों का टोला है, असली असली ताकत तो यहां बैठे रहा। साथियों, 2014 से 2019 तक विपुल गोयल जी ने राम राज्य दिया, सीवर, पानी, रोड, लाइट, खेड़ी पुल से शुरू होता और चांदी वाले बाग तक दोनों तरफ सीवर, पानी, रोड सब कंप्लीट, 35-45 रोड आरएमसी, मेन रोड आरएमसी, कितने काम करवाऊ। और तो और, विपुल गोयल जी कैसे नेता जिन्होंने राजनीति के मायने बदल दिए, जिन्होंने पूरी विधानसभा को अपना परिवार समझा। साथियों, जिन्होंने हमारे बुजुर्ग को, मत शक्ति को, जो है ना, जो पवित्र धाम होते हैं शिरडी वैष्णो देवी, सबके फ्री दर्शन कराए, हजारों लोग तीर्थात्र गए, हर लोगों को साधो कराए, नहीं कराए हाथ कर दो। तो ऐसे देव तुल्य, ऐसे जनप्रिय नेता का वोट देनी चाहिए, देनी चाहिए, बताओ हाथ करेंगे साथियों? वोट भी मुझे बनती बनती है साथियों। टोली बने, टोली इसको जवाब दे दो, जवाब आने वाली 5 तारीख को कमल के फूल पर मोहर लगाओ और विपुल गोयल जी की झोली इतनी भरते, इतनी भरते कि इनको भारत कलोनी से शर्मिंदा होकर भागना पड़े, भागना पड़े, भागना पड़े। भारत माता की, भारत माता की। मैं भाई हमारे चाचा किशन ठाकुर जी से आग्रह करता हूं कि वो आए
और सभा को संबोधित करते भाई किसे था। भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय मेरे छोटे भाई जो फरीदाबाद विधानसभा से पहले भी मंत्री रहे भाई विपुल गोयल जी, जो मेरे आयोजक है मेरे मुकेश शास्त्री जी भाई, हमारा दादा है, बिगर दादान के भी कुछ ना है दुनिया में, कहीं दादान को भी आशीर्वाद देना पड़ेगा। और जिन्होंने ये प्रोग्राम करा है मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और भाइयों एक बात बता देना चाहता हूँ, आप मुझे जानते हो कि नहीं, हाथ खड़ा करके बताओ सर, 40 साल से जानते हो? जानते हैं। अरे तो यार एक बात बताओ, ये जो आ रहे जा रहे हैं ना, अरे किशन ठाकुर ने तो ही भारत कलोनी बसाई, पदम नगर, हनुमान नगर, बताओ आप, अगर झूठ बोलता तो हाथ खड़े कर दो। और भैया बात सुन लो, 5 तारीख को तो वोट पड़ेंगे, समझ रहे हो मेरी बात ना समझे, अरे माता पहले तुम भी सुन लो, 5 तारीख को तो वोट पड़ेंगी और 8 तारीख को गिनती होगी। अब भाई लिख लो, भूड कॉलोनी, पसेलवा कॉलोनी, गोपी कॉलोनी, राजा गार्डन, बाबा नगर, ठाकुर बाड़ा, पाड़ मोहल्ला और पूरन इंक्लेव, और भैया भारत कॉलोनी, पदम नगर, हनुमान नगर, अगर 1 साल में कहा न पर डुबा दू ना इस विपुल गोयल पे, तो किशन ठाकुर को चौराहे पे मार दूंगा। किशन ठाकुर पे तो दाग हो, आप हाथ खड़ा करके एक आदमी बता दो, एक आदमी के किसी ने 10 रुपए नहीं हो, तुम्हारे मैंने 500 खंभे भारत कॉलोनी और हनुमान नगर को भिजवाए हो, आपको याद हो तो। मेरे सामने फूल सिंह बैठा है, सुभाष बैठा है, अशोक बैठा है, सारे मैं जानता हूँ, मैं 40 साल से जानता हूँ, एक भी घर नहीं था, ये तो जंगल था जहाँ आप खड़े हो, ये सब बनाने वाले बंसी वाले हैं और हम आपके साथ हैं शुरू से ही। और भाइयों मैं सच बात बता रहा हूँ, विपुल गोयल 1 लाख वोटों से जीता गया, 1 लाख वोटों से। ये जो तरह तरह की बात कर रहे हैं, ये यहाँ जा रहे हैं, अरे ये मेरे ही तो पिल्ला है, हेलो ये मेरे ही पिल्ला है, ये वैसे ही जो कांग्रेस को प्रत्याशी है जो भी मेरे पिल्ला, ये आज देखो सुनो, ये पार्षद रहा, सही बात बताइयो, पूरे फरीदाबाद में यहाँ का तो नाम जब यहाँ पर कभी ना है, भूड कॉलोनी, बसेवा कॉलोनी, भारत कॉलोनी, ये मैंने पास करवाई, हनुमान नगर में भिजवाया था पिछली बार, बता भाई प्रेम हाथ झूठ मत बोलना कोई भी, हाथ खड़ा करके बताओ मेरे माता नौजवानों, 5 तारीख को एक वोट दो गए, हाथ खड़े कर दो, 5 तारीख को और भैया 8 तारीख को गिनती हो जाएगी, और 9 तारीख को जहाँ तुम कहोगे, 10 तारीख को किशन ठाकुर, विपुल गोयल, हेलो मेरे आदमी से अगर किसी ने हाथ नहीं लगा दिया ना तो हाथ काट दूंगा, मेरा नाम किशन ठाकुर है, पूरा मकान मेरी बात का, ऊपर तो भगवान है, नीचे जनता है, भाई दो आदमी तक करता हूँ, आप बता दो मैं लोकसभा लड़ा हूँ, किसी को मैंने तंग करा कोई नहीं, ये विपुल भाई बैठा है, दुनिया बैठी है, अगर किसी से भी 2 रुपए लिए हो तो कोई बता दो, ये जुबान जनाले तक काम नहीं होता, जो अपने घर के इनका नहीं होता वो किसी का नहीं होगा। सुनो ये T2 है, T2 रे घोड़े पे दुकान है, ये अभी ये लड़का बैठा करण है, अरे एक और पंकज है, इनके अब एंचो दुकान ही छीन लिया, ये किसके बारे करेंगे, अरे भैया मेरे बारे में बता दो, तुम हाथ खड़ा करके, हमेशा गरीब मजदूर और कॉलोनी के संग खड़ा रहा हूँ, कोई फिकने की बात नहीं, और भाई कोई झुकने की बात नहीं, 5 तारीख तुम्हारी और 6 तारीख के संख्या भाई मौके विश्वास हो, देखो बस सुन लो, ये तरह तरह के चक्कर चलाएंगे, झूठे सच्चे सरकार आ रही है फलाना, विपुल गोयल तो कोमा में पड़ी है बीजेपी, अरे पागलो कांग्रेस कोमा में, तुम्हें पता ही कुछ नहीं है, देश में बीजेपी का झंडा लहरा रहा, बीजेपी का नायब सिंह सैनी गरीब आदमी है जो आज प्रदेश का मुख्यमंत्री है, और दोबारा मुख्यमंत्री बनाने जा रही है हरियाणा की जनता, मैं पूरे हरियाणा की राजनीति करता हूँ आपको पता भी है। और भाइयों 5 तारीख को जहाँ ये फूल का निशान है ना, इतने बटन दबा दो, मेरी माता है बहने क्या तीनों नानी याद आ जा, माँ तो आवे नानी याद आ जा, हाथ खड़े करो दोबारा, भाई वोट दोगे ना ठोक, बाकी गारंटी मेरी है, जय हिंद जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर जी। देखो समय का अभाव है, मैं भाई जगवीर पहलवान जी से आग्रह करता हूँ कि वो आए और मंत्री जी के संबोधित करें। अपने जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित मेरे गुरुजी, आप सबके लोकप्रिय नेता भाजपा प्रत्याशी श्री विपुल गोयल जी, हमारे पूर्व मार्केट चेयरमैन श्री पंडित मुकेश शास्त्री जी, सम्मानित मंच, मेरी भारत कॉलोनी की जनता, हनुमान नगर की देव तुल्य जनता और सभी मेरे जितने भी युवा साथी मेरे एक आह्वान पर यहाँ आए हुए हैं, और मेरा प्रिय मित्र रिंकू सिलानी जी जो इस सभा के मेरे सहयोगी है, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत और सम्मान करता हूँ। आज हमारे बीच विपुल गोयल जी आए हैं जो किसी परीक्षा का मोहताज नहीं है, ना मैं उनके बारे में इतना बड़ा हूं कि कुछ बोल पाऊं। ये सिर्फ फरीदाबाद की एक उम्मीद है, फरीदाबाद का संकल्प है, फरीदाबाद का विश्वास है कि विपुल गोयल फरीदाबाद को इस अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक ऊंचाई पे लेके जाएगा, इसकी हमें उम्मीद है, इसका हमें विश्वास है। एक बार तो ना हाथ ऊपर खड़े करके हमें विपुल गोयल का विश्वास दिला रहा होगा कि हम उनके साथ है। विपुल गोयल जिंदाबाद, विपुल गोयल जिंदाबाद, विपुल गोयल जिंदाबाद। धन्यवाद। मंत्री विपुल गोयल जी, मेरे बड़े भाई जितने चौधरी, किशोर ठाकुर जी, रंजीत जी, जगवीर पहलवान जी, मुकेश शास्त्री जी, मेरे नौजवान साथी, मेरे वार्ड की पूरी जनता, बड़े बुजुर्ग एवं मेरी माताएं बहनें, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं 2014 के अंदर मंत्री जी इस विधानसभा से जीत के आए थे और उन्होंने हमें नरक से निकालने का काम करा। आप सबने देखा होगा हमारी कॉलोनी की गलियां सारी की सारी कच्ची थी। एक मंत्री जी थे, विपुल गोयल जी थे, जिन्होंने एक ऐसे नेता है पूरी कॉलोनी में टैल लगवाई, लाइटें लगवाई, सीवर लगवाए, सीवर डलवाए, आप सबको वहां से पक्का करके दिया और किसी कारणवश मंत्री जी का टिकट कट गया। मंत्री जी मैं कहना चाहूंगा ये बनवास आपने नहीं काटा, ये आपके इस परिवार ने काटा आपके बिना। बहुत साल इस परिवार ने आपको याद किया है, आज ये परिवार आपके लिए खड़ा है और आप देखना 5 तारीख को, आने वाले 5 तारीख को ये भारी मतों से आपको जिताने का काम करेंगे। विपुल गोयल जिंदाबाद, विपुल गोयल जिंदाबाद। जो मैं कहूंगा आने वाली 5 तारीख को इतने मशीन पे फूल के सामने वाला बटन दबा दो कि विपुल गोयल के सामने कोई टिक ना पाए और इन्हें 1 लाख वोटों से जिताकर यहाँ से भेजे। चंडीगढ़ में इनकी कलम में जितनी आप ताकत दे दोगे उतनी तेजी से विपुल गोयल जी यहाँ पे काम करेंगे। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप ये 10-12 दिन बचे हैं, इसमें एक एक बंदा घर घर जाकर डोर टू डोर कर अपने रिश्तेदारों को सबको फोन कर करके बोले कि विपुल गोयल जी को भारी मतों से जिताए और इन्हें विजयी बनाए। धन्यवाद। मैं जी जितोगी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार रखें, विचार को मंच पे आश्वस्त हमारे सभी सम्मानित। मैं मुख्य बात पर आता हूँ, आज इस कार्यक्रम के आयोजक जगवीर जगवीर जी और रिंकू का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसा आप जानते हैं इस चुनावी रण क्षेत्र में एक चर्चा बड़ी जोर से चल रही है कि भाई पार्टी में बहुत से ऐसे कार्यकर्ता जो पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी भारतीय जनता पार्टी में देश से बड़ा दल नहीं है और दल से बड़ा व्यक्ति नहीं है। हम देश को पहले मान के काम करते हैं। और मेरे नौजवान साथियों आप बताओ अगर कोई मां से दगा करता है तो उसको क्या कहते हैं?
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है और माँ के गद्दारों को क्या कहा जाएगा। व्यक्ति विशेष से गद्दारी करने वालों को पार्टी दी जाती है। मंत्री जी, मैंने पहले ही बता दिया है सबको कि किस तरह गडकरी जी के साथ आपकी मित्रता है, किस तरह से आप 3545 फुट से जो हाई टेंशन तार जा रही है उसको जमीन के अंदर से गुजार दोगे, किस तरह से मंत्री जी की सोच थी यार हम अपने घर से निकलते हैं तो हाईवे पे चढ़ते हैं और सीधा बॉम्बे उतरेंगे, ये माननीय मंत्री जी की सोच थी। नहर से आने वाली जमीन जो एक एकड़ से लेकर 9 किलोमीटर तक दूर की है, मंत्री जी ने पहली प्लान बना रखा है उसका कि किस तरह से उसको पार्क में हम तब्दील करेंगे, क्योंकि वो यूपी के अंदर वो जमीन आती है। ऐसे अनेक योजनाएं जो आपको आप उसका लाभ नहीं ले पाए, क्योंकि पिछली बार हमारी पार्टी ने मंत्री जी को सेवा करने का संगठन ने जिम्मेदारी दी थी। हमारी पार्टी में पार्टी को मां मान के किया जाता है। राजनीति में आने का एक उद्देश्य होता है, वो है समाज की सेवा, और आप देख रहे हैं उसका जीता जाता उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। वो सेवा चाहता है, आपकी सेवा करना चाहता है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा मंत्री जी, मैंने पहले सब चीज बता दी है आपसे, यही मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, ऐसा जन सेवक जो अपनी निजी पूंजी से समाज की सेवा करता है, ऐसे व्यक्ति को आप आने वाली 5 तारीख को भारी बहुमत इतने वोटों से विजय बनाए, क्योंकि पिछली बार मंत्री जी अपनी काबिलियत से मंत्रालय ले जाए, इस बार वोटों के तौर पर मंत्री जी को हमारी सरकार मंत्री जी बना के हमारे बीच में भेजे और ज्यादा से ज्यादा काम आपके मित्र आए। जिंदाबाद। हम जन जन के सेवक, हरियाणा के शेर फैजाबाद के बेटे, फैजाबाद के भाई, पूर्व मंत्री और प्रत्यक्ष में प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री पुत्र भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज यहाँ इस विशाल जनसभा में उपस्थित मेरे भाई और इसके आयोजनकर्ता रिंकू सेनानी जी, जगदीप पहलवान जी, भाई भूतपाल ठाकुर रमी जी, भाई नरेश अंबरदास जी और पंडित जी मुकेश शास्त्री जी, पंकज सिंगला जी, बड़े भाई किशन ठाकुर जी, शीतल जैन जी, चाचा रंजीत जी, सतेंद्र दुग्गल जी, उमेश शास्त्री जी, अजय गर्ग जी और यहाँ पर उपस्थित इस क्षेत्र की सरदारी, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। माताओं, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, आज मित्रों अभी जनसभा में उससे पहले सभी ने अपने विचार रखे और आपको बताया कि किस तरीके से 2014 से लेकर 2019 का कार्यकाल विपुल गोयल का रहा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुझे याद है वो दिन जब मैं 2014 में आप लोगों से वोट मांगने आया था, तो किसी गली में जाता था, वो बोलते थे मंत्री जी हमारी गली को पक्का कर दो, हमारी गली में खरंजा लगा देना। मैं उनसे पूछता था अपनी गली में तो खरंजा लगा लोगे, गली से बाहर जाओगे तो किस पे चल के जाओगे, और अपने बरपर में दोस्त के रिश्तेदार के घर जाओगे तो किसके किस पे चल के जाओगे, कच्ची मिट्टी और कीचड़ में। तो मैंने कहा विपुल गोयल ऐसा काम नहीं करता, विपुल गोयल चिकन चूज नहीं करता, एक के में लगा दिया एक के में छोड़ दिया। मैं वादा करके गया था इस खेड़ी पुल से लेकर जहाँ तक एक भारत कलोनी जाती है इसको पक्का करने का काम। आप लोगों ने देखा कि भारत कलोनी के सीवर हो, पानी की लाइन हो, सड़क बनाने का काम आपके दोस्त, आपके बेटे, आपके भाई ने किया। तो मैं
आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो 10-15% कनेक्शन होने रह गए हैं लाइनों के, वो भी आपका बेटा, आपका दोस्त, आपका भाई करवाएगा। भारत कॉलोनी के अंदर और भी 10 साल के अंदर जो मूलभूत सुविधाओं की जरूरत हुई है उनको पूरा करने का काम भी आपका बेटा करवाएगा। बड़े लोग आते हैं, झूठ फ्रॉड की राजनीति करते हैं, कहते हैं इस कॉलोनी के जितने ठेकेदार हैं वो हमने खरीद लिए हैं। अरे ये लोकतंत्र है, नरेंद्र मोदी का देश है, ठेकेदार खत्म हो चुके हैं, ठेकेदारों की छुट्टी हो चुकी है। यहाँ संवाद डायरेक्ट, यहाँ डायरेक्ट संवाद जनता के बीच में और सेवक के बीच में होता है। या बिचौलियों की जगह भारतीय जनता पार्टी में नहीं। बहुत लोग कहते हैं नौकरियों को बेचने की बात करते हैं कि आप हमें वोट दोगे हम नौकरी देंगे। अरे भैया ये शेख चिल्ली के सपने कहाँ देख रहे हो, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। 5 तारीख को वोट डलेंगी, 8 तारीख को गिनती होगी, 10 तारीख को नायब सैनी ओबीसी का बच्चा, ओबीसी का बेटा मुख्यमंत्री की शपथ लेगा। और उसके बाद 15 से 20 तारीख के बीच में भारत कॉलोनी के काम शुरू हो जाएंगे। नौकरी देने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी करेगी, और किसी वोट के एवज में, नोट के एवज में नहीं, बच्चों की काबिलियत के आधार पर नौकरी देने का काम करेगी। वो किसी खर्ची पर्ची से नौकरी नहीं देगी। जो गरीब का बेटा पढ़ लिख कर एग्जाम पास करेगा उसे नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये मेरी माता है, मैंने बैठी है, कांग्रेस ने लोकसभा में झूठ बोला था कि खटाखट खटाखट 8500 रुपए आएंगे। 50 रुपए भी आए आपके अकाउंट में? तो आपकी बात, जब कांग्रेसी कुछ देने आए तो उनका फटाफट फटाफट हिसाब कर देना, या फिर निकल लो पुतली गली से। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि 12 तारीख को सरकार जब शपथ ले लेगी, 10 तारीख को शपथ ले लेगी, उसके बाद 1 नवंबर को, 1 नवंबर से मेरी माताओं बहनों के अकाउंट में 2100 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। हर महीने 2100 रुपए देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, आपके बेटे की सरकार करेगी, आपकी दी हुई वोट करेगी। या मेरी माताएं बहनें बुजुर्ग समझते हैं, जो सिलेंडर 1100 का आता था 500 रुपए में देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। या मेरी बच्चियां बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, जो बच्चियां पढ़ लिख कर 12वीं में 60% नंबर लेंगी, फर्स्ट डिवीजन पर आएंगी, उन्हें स्कूल जाने के लिए स्कूटर भी फ्री में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों ये होता है संकल्प। बहुत सारे लोग जो आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का इलाज फ्री कराते थे, वो 10 लाख का इलाज फ्री कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों ऐसी अनेकों योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संकल्प पत्र के अंदर लिखी है, ये सब पूरा करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कश्मीर में धारा 370 हटा देंगे, 370 हटा के दिखाई ना, हटाई दिखाई ना। और तो और 500 सालों से जो हमारे बुजुर्ग जिसके लिए संघर्ष कर रहे थे, वो राम मंदिर बनाने का काम किसने किया? मोदी।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो मित्रों, आने वाली 5 तारीख को चौथे नंबर का बटन किस पे दबाओगे? किस पे दबाओगे? तो इतनी सारी वोट दे देना कि मेरी पार्टी बोले कि ये विपुल गोयल से बहुत प्यार करते हैं। विपुल गोयल का बहुत काम चाहिए, आपकी वोट विपुल गोयल को मंत्री बनाएगी, बड़ा मंत्री बनाएगी और इस क्षेत्र का विकास। आप सब लोग वोट देने जा रहे हो, मेरी माता है बहने वोट देंगी ना, वोट दोगे ना भैया? तो इसलिए किसी लालच में मत आना। जो लोग, जो ठेकेदार आए ना आपकी जेब में, झूठे लोग 1500 डाले, पैर की चूती निकालना कि हमारी पार्टी 100 रुपए महीने देने का काम कर रही है, तू हमें क्या देगा झूठे? और जो आदमी शराब पिलाने के लिए आए मेरे भाइयों को, उनका भी इलाज जरा अच्छे तरीके से करना कि विपुल गोयल रात दिन ठंडा पानी पिलाने का काम 5 साल तक करेगा। तो मित्रों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आने वाली 5 तारीख को सब लोग मिलकर जाए, ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, वोट का परसेंटेज 90% हो, और जब गिनती खुले तो आपका बेटा इतने मानदंड से विजय हो कि आपको कोई काम कहने की जरूरत ना पड़े। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, विपुल गोयल की विजय होगी और जो विकास है आपके पास चलकर आएगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए विपुल गोयल अगर विकास करेगा कोई, तो आपका बेटा करेगा, आपका दोस्त करेगा। जैसे किसी बरगलावे में बहकावे में मत आना, एक बार जोर से हाथ उठा के बोलोगे भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।